आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइसेस चैनल में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको आरओ वाटर प्यूरीफायर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। उसमें दोस्तों ये इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगे होते हैं, इसकी मैं वायरिंग करने के बारे में बताऊंगा। इसमें दोस्तों हम फिल्टर में जो वाटर पाइप होती है, पानी घूमता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये दोस्तों वीडियो सिर्फ वायरिंग के बारे में है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उसमें दोस्तों हम देख लेते हैं पहले पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं। ये एक दोस्तों उसमें दोस्तों लगा था SMPS। ये दोस्तों हमारे पास SMPS है, उसमें एक SMPS लगा होता है। एक दोस्तों लगा था फ्लोट वाल्व, जो जब फिल्टर भर जाता है उसको बंद कर देता है। दोस्तों उसमें आगे एक लगी होती है प्रेशर स्विच, ये जब टैंकी में पानी ना हो तो फिल्टर को बंद कर देती है, अगर फिल्टर टैंकी में हमारे पानी हो तो फिल्टर को चालू कर देती है। और इसमें लगी होती है एक SV। ये दोस्तों जब फिल्टर बंद हो जाता है तो पानी को बंद कर देती है, पानी फिल्टर में जाना बंद हो जाता है इसकी मदद से। और दोस्तों एक उसमें होता है पंप, जो पानी के प्रेशर को तेज करता है, जिससे हमारी मेम्ब्रेन जो है वर्क करती है। तो दोस्तों ये उसमें पार्ट्स लगे होते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी भी दो वायर निकली हुई हैं, ये हमें दो यहाँ से वायर निकाल दी हैं। इसमें भी दोस्तों दो वायर होती हैं, हमने यहाँ पे दो वायर निकाल दी हैं। ये देखिए दो प्रेशर स्विच, इसमें भी दोस्तों हमने यहाँ पे दो वायर निकाली हुई हैं। इसके अंदर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इस एक यहाँ वायर लगेगी, एक वायर यहाँ पे लगेगी। दोस्तों एक फ्लोट वाल होता है, इसमें दोस्तों तीन पिन बनी होती हैं, यहाँ पे हमने तीन पिन बनाई हैं। इसमें दो पिन काम आती है, ऊपर नीचे वाली, सेंटर वाली काम नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग को शुरू करेंगे। अब दोस्तों में मेन कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, इसमें दोस्तों वायर जो SMPS के साथ आती है वो पूरी कवर होती है इंसुलेशन से, तो हमें पता नहीं लग पाता कि हमने वायर कहाँ पे लगानी है, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। इसमें इसके अंदर दोस्तों दो वायर हैं, और जो ये दो वायर होती हैं इसके अंदर, एक तो दोस्तों हम सीधा ही यहाँ पे हमने न्यूट्रल पॉजिटिव लिखा है, ये हम न्यूट्रल ऊपर लिख देते हैं, पॉजिटिव नीचे लिख देते हैं। न्यूट्रल को हम दोस्तों सीधा ही इसके साथ जोड़ देते हैं, इसके अंदर दो वायर हैं, इसके वाली एक अंदर वाली वायर को हमने सीधा इसके साथ ज्वाइंट कर दिया, और दूसरी वाली वायर को हमने इंसुलेशन को सील कर, मैं आपको दोस्तों एक बार दिखाता हूँ पॉज करके। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों दो वायर हैं, तो हमने एक वायर को तो डायरेक्टली जोड़ देना है ब्लैक वाली को, चाहे आप रेड को जोड़ दें चाहे ब्लैक को जोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, पर कोशिश करें हमेशा ब्लैक वाली को डायरेक्ट जोड़ें और रेड वाली को हम फेस बनाते हैं। हमने दोस्तों इसको सेंटर से काट देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमने काट दिया इसको, ये दोस्तों ऐसे निकल आया, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे इसको काट के अलग अलग कर दिया। बस मेन प्रोसीजर यहीं पे, आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, तार को आपको काटोगे तभी ये काम बनेगा, नहीं तो कई सोचते हैं भी तार को काट देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तार को मैंने यहाँ से बीच में से एक तार को काट देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो वायर है इसकी, ये सीधा आएगी हमारी फ्लोट वाल्व के पास, यहाँ में हमने इसको ज्वाइंट कर देना है। ये दोस्तों हम ज्वाइंट कैसे करेंगे, ये हमारे पास फ्लोट वाल्व है, ये दोस्तों वायर है हमारे पास एक, इससे हमने डायरेक्ट जोड़कर इधर की साइड हमने थिम्बल की मदद से इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। हर जगह हमने थिम्बल की मदद से ही जोड़ लगाना है, कभी भी तार का गुच्छा नहीं बनाना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो बीच वाली पॉइंट है ये हमारा काम का नहीं है,
और ये वाली यहाँ से वायर निकलेगी फेस वाली, इस पे लग जाएगी। इसके अंदर भी हमने दोस्तों थिम्बल ही यूज़ करनी है, और इधर से वायर निकलेगी। ये हमारा दोस्तों 220 वोल्ट का जो सर्किट है वो इधर वाला कंप्लीट हो चुका है। इस वाले से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले ये वाली जो सप्लाई है, समझो आधी सप्लाई हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको पहले आप ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही इस साइड जाएं। पहले आप इस साइड वाली सप्लाई को पूरा कर लें, ठीक है दोस्तों। इस सप्लाई करने के बाद दोस्तों इधर तो बस बहुत ही सिंपल है हमारा। ये दोस्तों ये भी हमारा 24 वोल्ट का SMPS है, ये SV ये भी 24 वोल्ट की है, और ये पंप भी 24 वोल्ट का है। तीनों में से दोस्तों दो दो वायर निकली हुई हैं, इसमें से भी दो वायर, इसमें से भी दो वायर, और इसमें से भी दो वायर, ठीक है दोस्तों। हमने दोस्तों सभी की एक एक वायर उठा लेनी है। इसकी एक उठाई, इसकी भी एक उठाई, और पंप की भी हमने एक उठाई। इसको आपस में जॉइंट कर दिया, और जो वो जो जो वायर बच गई SMPS की, पंप की और SV की, इसको हमने जॉइंट कर दिया। तो ऐसे दोस्तों हमारी जो सप्लाई है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको दोस्तों इनमें से कोई भी पार्ट्स अगर आपके फिल्टर का ख़राब हो तो आप मंगवाना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके फॉल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें फॉल्ट आते हैं और कैसे हम इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें SMPS में एक इंडिकेटर लगा होता है जो हमेशा चलता रहता है, जब हमारा फिल्टर चलेगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर हमारे पीछे से सप्लाई ऑन हो और फिल्टर हमारा खाली हो तो ये SMPS की लाइट अगर आए तो हमारा पीछे वाला जो ये सिस्टम है सारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। आगे हमारे इसमें फॉल्ट है, या SV में फॉल्ट है या पंप में फॉल्ट है। अगर ये सब जो हमारी लाइट है इसमें लगी SMPS में वो नहीं जल रही, तो सबसे पहले दोस्तों आप मेन सप्लाई चेक करें पीछे से, उसके बाद फ्लोट वाल को आपस में तारें इसकी जोड़ के चेक करें, फिर प्रेशर स्विच की तारें आपस में जोड़ के चेक करें। अगर उसके बाद भी ये SMPS नहीं ऑन हो रहा है तो SMPS ख़राब है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर चेक करने पर कई बार फ्लोट वाल ख़राब होता है तो हम SMPS चेंज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। अगर फ्लोट वाल डायरेक्ट करके चेक करें, डायरेक्ट करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इस पर दो वायर लगी होती हैं, ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट करने के लिए दोनों वायर को बाहर निकाल दें, वो पीछे से सप्लाई बंद कर लें, नहीं तो आपको शॉर्ट लग सकता है। ऐसे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट करके चेक करें, फिर इसको डायरेक्ट करके चेक करें प्रेशर स्विच को, उसके बाद आप SMPS चेंज करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।